शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर औरैया से है, जहां पर पिछले 10 दिनों से चल रहे गणेश उत्सव कार्यक्रम में कई जगहों पर झांकी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और इस गणेश महोत्सव में रोज भजन कीर्तन और पूजा अर्चना जो है वो भी की जाती है। ये उत्सव कार्यक्रम नगर के दिव्यापुर रोड पर किया गया और इस कार्यक्रम में रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी नजर आती है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर जनपद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जैतीपुर पुलिस ने दो पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताना चाहिए तस्करों के पास से 500 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम और 5 किलो डोरा चूर्ण बरामद हुआ है। वही बरामद 500 ग्राम अफीम की जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले तथा अवैध शराब का कारोबार करने वाले के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी कड़ी में थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 0.5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपये है। साथ ही इनसे 5 किलो 500 ग्राम डोडा भी बरामद हुआ। पूछताछ में उन्होंने बताया कि डोडा ये लोग पंजाब और बाराबंकी या आसपास के ग्रामों से लाते हैं और यहाँ आकर बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर में अच्छे दामों पर बेच देते हैं। इसी प्रकार अफीम ये झारखंड से लेकर आते हैं ट्रेनों के माध्यम से और यहाँ आसपास के जनपदों में भेजते हैं। इन्होंने जहाँ जहाँ इसको सप्लाई किया है पूछताछ की जा रही, उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। मादक पदार्थों का वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर चोर ने अस्पताल में दवा लेने आई महिला के पर्स को चोरी करने की कोशिश की। वहीं महिला ने आरोपी युवक की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना उत्तर के प्राइवेट ट्रामा सेंटर का बताया जा रहा है। लखनऊ के लेवाना होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद फिरोजाबाद में भी पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है और यहां पर स्कूल, रेस्टोरेंट्स और होटलों में आग से सुरक्षा के उपकरणों को लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है और एसपी सिटी के नेतृत्व में शहर भर के होटलों, स्कूलों और रेस्टोरेंट पर आग से बचाव के इंतजाम देखे गए हैं। जहां पर कमियां मिली उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वही खबर है बाराबंकी से, जहां पर जनपद में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से बच्चा चोर, किडनी चोर गिरोह की अफवाह सामने आ रही है, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों से अपील कर अफवाह न उड़ाने का निर्देश दिया है। वहीं अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। आजकल जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके बच्चा चोर आने और किडनी चोर आने की अफवाह उड़ाई जा रही है और इस अफवाह की आड़ में तमाम संभ्रांत नागरिकों, बाहर से आने वाले रिश्तेदारों के साथ मारपीट की जा रही है और उनको बच्चा चोर कह के उनको मारा पीटा जा रहा है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में विक्षिप्त और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के साथ भी मारपीट की जा रही है। आप सबको मैं इस अपील के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह पूरी तरह से निराधार अफवाह है। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई गिरोह जनपद में सक्रिय नहीं है और ना इस प्रकार की कोई घटना कहीं पर हुई अभी तक और ना कोई अफवाह सत्य पाई गई। यह पूरी तरह से एक असामाजिक तत्वों द्वारा उड़ाई जा रही अफवाह है। कृपया इसके बहकावे में न आएं और पुलिस विभाग की ओर से लगातार 112 की गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हैं, थाने चौकी के पुलिस अधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं कि इस प्रकार का कोई गिरोह यदि सक्रिय होगा तो हम उसके ऊपर शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। अपील यह है कि ऐसी अफवाहों में ना पड़ें और मैं सभी अफवाह फैलाने वालों को सचेत करता हूं कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और यदि इस घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या किसी व्यक्ति को अन्य कोई क्षति पहुंचती है तो उस पूरे गाँव, उस पूरे क्षेत्र के असामाजिक तत्वों को इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा। मेरी आपसे विनम्र अपील है, कृपया इन अफवाहों में न पड़े और किसी भी प्रकार की सूचना होने पर तत्काल पुलिस को कार्रवाई करने के लिए सूचित करें, कानून अपने हाथ में न लें। आजकल जहां एक तरफ देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी के सतरिक क्षेत्र के गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के पूर्व माध्यमिक विद्यालय उधवापुर में सरकारी नल के सामने गंदगी का ढेर है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला विकासखंड हरक की ग्राम पंचायत उधवपुर का बताया जा रहा है। वही खबर बुलंदशहर से है, जहां पर औरंगाबाद कस्बे के एनपीएस स्कूल की वैन अचानक
उसमें आग लग गई। वहीं आपको बताना चाहिए कि स्कूल पार्किंग में खड़ी स्कूल वैन में छुट्टी होने से कुछ समय पहले स्कूल वैन में ये आग लग गई है, जिसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं ने सभी स्कूली बच्चों को आनंद फानंद में स्कूल के दूसरे गेट से सुरक्षित बाहर निकाला। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि शॉर्ट सर्किट हो जाने से वैन में आग लग गई थी। और ये पूरा मामला आपको बता दें कि बुलंदशहर के कोतवाली औरंगाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं खबर अमरोहा से है, जहां पर दबंगों ने दिव्यांग महात्मा की बेरहमी से पिटाई की और साथ में लूटपाट भी की है। पीड़ित का यह कहना है कि इस मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते पीड़ित महात्मा ने सीएम से मिलकर अब न्याय दिलाने की बात कही है। देखिए जी, मैं अपनी ही तेज में अपनी जमीन में अपना आश्रम बनाए के भागवत करा रहा हूँ आश्रम पर, और आश्रम पर भागवत ला के बैठी है रामायण होके, और उस समाप्त करके अपने गांव में कमरा पे पहुंच गई। यहाँ मैं रह गया, वहाँ के रहने के बाद मैं, मेरी घर की औरत, दो आदमी उन्हीं के परिवार के थे जिन्होंने मारधार जो मानने आए, रात्रि के 12 बजे आके मेरी लूट खसूट करी। मेरे कुर्ता में 45,000 रुपया और मेरे सर फाड़ो, मेरे शास्त्री में इनकी वीडियो बना रखी। अच्छा, हाँ जी, ये हुए मेरे साथ घटना। मेरी भागवत को आज 5 दिन हो गए, 5 दिन से लेकर रोज रात को हंगामा हो तो पुलिस शासन से कहता हूँ कोई नहीं सुन लो। बाबा, ये कब का मामला है आपके साथ में घटना हुई है? ये मेरा मामला मुस्कान बृहस्पति के दिन का शुरुआत कोई जी। दुनिया घी श्याम गिरी ऐसी चीज चढ़ाई, मेरी सुर्खी चढ़ाई गई पहले मेरी भागवत पर। तो बाबा, आपने कोई शिकायत वगैरह की? जी, मैं चौकी भी पहुंचो, थाने भी पहुंचो, सरकारी अस्पताल में भी गए, रिपोर्ट भी बनी मेरी सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर ही होकर भी फिर भी चौकी के जो इंचार्ज साहब हैं उनके साथ एक वो रहता है बॉबी, वो पूरी चौकी का मालिक बनवाया हुआ है बॉबी चपरासी, उसने 20,000 रुपये लेकर और उसको मेरी बात को दफन करके 151 को मुकदमा दिखा रहा हूँ। अपनी प्रारूपिक छोट से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Intel. Macro lubricant ready.